हेलो एवरीवन, मैं विकास मेला आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITJM बायोटेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये जो यूट्यूब चैनल है वो स्पेशली आपको मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो कवर करवाने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करना यूट्यूब चैनल को और लाइक जरूर करना अगर ये वीडियो अच्छे लगे, और फ्रेंड्स को जरूर सजेशन करना अपने यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, तो देखो हम जो PYQs है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उन्हीं की सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें 2020 और 2019 के पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा दिया जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है। आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो 2018 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये पार्ट वन है यानी पार्ट टू भी इसका आएगा। पार्ट वन में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है देख सकते हो आप यहाँ से, 7 नंबर, 8 नंबर, 19, 20, 21 एंड 22, यानी यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन है जो 2018 में आएगा। पार्ट टू भी आएगा इसका जल्दी, तो पार्ट वन में जो भी क्वेश्चन हमें वो एक बार हम वन बाय वन सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उस क्वेश्चन को फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां से लिमिट का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन किसका है, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट निकाली है तुम्हें, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 × n² + 5 × n + 4 होल डिवाइडेड बाई 4 + 2n². ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस पे लिमिट लगाते हो तो ये बनता है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप यहां से देखो क्या करना है, आपको यहां से क्या करना है, n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। क्यों लेनी है, रीजन मैं बताऊंगा अभी, एक बार कॉमन ले लें हम, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां देखो हाईएस्ट पावर इस पूरी वाली न्यूमिनेटर में क्या n² है, तो n² कॉमन ले लो, तो यहां से क्या रहेगा तुम्हारे पास 3 + इसमें से अगर n² कॉमन लो तो n तो ये रहा, n² का मतलब 5/n कर दो प्लस, और यहां पे भी क्या कर दो 4/n². ठीक है, होल डिवाइडेड बाई इसमें भी n² कॉमन ले लो, तो n² कॉमन लेने के बाद बचा क्या 4/n² + 2। ठीक है, अब देखो ये n² और ये n² कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इस पे लिमिट लगाते हो, अगर आप इस पे लिमिट लगाते हो तो 5/∞ क्या बन जाएगा 0, 4/∞ क्या बन जाएगा 0, 4/∞ क्या बन जाएगा 0, तो ये 0 टर्म, ये 0 टर्म, यानी न्यूमरेटर में तुम्हारे पास क्या बचा 3 + 0 + 0, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 0 + 2, यानी यहां से 3/2 आंसर आ जाएगा, यानी अगर 3/2 को 1.5 आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये आसान हो गया आपके लिए कि आपने यहां से क्या किया, आपने n² कॉमन लिया और n² कैंसिल होने पे ये टर्म्स क्या बन गई 0, इसीलिए हम हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या बन गया तुम्हारा 1.5, और यहां से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी तुम्हारा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये लिमिट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तीन वेक्टर्स आपको गिवन है, ए बी और सी वेक्टर गिवन है, आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी करो पहले, और जो भी यहां से ए प्लस बी का रिजल्ट आया उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो पहले ए प्लस बी निकाल लेता हूं मैं, ए प्लस बी वेक्टर। अब आपको पता है कौन से एडिशन होगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ, तो यहां से करो भाई 3 - 9, देखो क्या है 3 - 9 आई के प्लस -10 + 6 जे के प्लस 7 - 14 के के। ठीक है, यहां से तुम कैलकुलेट कर लो इसको। ठीक है, यहां से क्या कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो यहां से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आई के, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 4 जे के, और यहां से माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी ये 47 है। ठीक है, यहां पे 40 नहीं है, 47 है, देख सकते हो तुम, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 40 के के। ठीक है, तो ए प्लस बी आ गया। अब इसका क्या करना है, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये रहा ए प्लस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो भाई, -6 i k - 4 j k - 40 k k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 11 i k - 17 j k k। ठीक है, j k 0 यहां पे, तो देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करो आपस में, तो 11 × 6 क्या हो जाएगा, -k 66, i का i के साथ होगा, बाकी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करो वो 0 रहेगा, j वाला ऑब्वियसली 0 रहेगा क्योंकि इधर j आपके पास 0 है इधर। ठीक है, इधर j 0 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस हो जाएगा 40 × 17, तो ये कितना बन जाएगा, 40 × 17 कितना बन जाएगा 68। ठीक है,
सॉरी 680 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, दोनों का यहां से कर लो सम, तो क्या बन जाएगा, 614 तुम्हारा यहां से आंसर बन जाएगा। तो 614 आपको दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, यस ये रहा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ए प्लस बी डॉट सी का, ठीक है। यहां पे देखो इसका इसका दो प्रोडक्ट करोगे वो बनेगा 680 बनेगा, ठीक है। और इनका इनका करोगे वो बनेगा -66, और जे वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इधर जे जीरो है, ठीक है, जे जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले ए प्लस बी कर लो, जो भी रिजल्ट है उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कंपोजिशन का, फंक्शन के कंपोजिशन का यहां से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास दो फंक्शन है, मान लो एक एफ एक्स है और एक दूसरा जी एक्स है, अगर इन दोनों का कंपोजिशन करते हो, मान लो आप यहां से करो एफ ओफ एफ कर रहे हो, ठीक है, जी ओफ एफ कर रहे हो, तो इसको कैसे लिखोगे, जी एफ एक्स, ठीक है। यानी आप जहां जी में एक्स है उसकी जगह एफ एक्स पुट कर दो, तो यही काम कर रहे हो भाई, जहां साई है उसमें क्या कर दो, साई में जहां एक्स है उसकी जगह फाइव पुट कर दो। तो यहां से देखो साई तुम्हारे पास क्या है, साई एक्स इक्वल टू 2 की पावर x और फाई एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना, साई ओफ फाई एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस साई में जहां जहां एक्स है उसकी जगह फाइव एक्स पुट कर दो, ये रहा 2 की पावर x, तो इस एक्स की जगह ये पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, 2x² बन जाएगा, 2x² बन जाएगा। और यहां से जो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है सभी को, क्वेश्चंस बहुत इजी इजी क्वेश्चन है सारे, 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ थ्री लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर द वर्ड वायरस, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ लेटर, यानी जो भी लेटर है उनका रिपीटेशन नहीं करना। तो आपको क्या करना है, यहां से ती इसकी थ्रू क्या बनाना है, थ्री लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, ठीक है, थ्री लेटर्स का एक वर्ड बना, जैसे देखो वी आई आर बन जाता है, वी आई आर बन जाता है, ठीक है, ऐसे वी आई एस बन जाए, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या बनाना है, यहां से लेटर्स बनाने, और इसमें ये भी ध्यान रखना जो आपके लेटर है उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वी वी वी, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपके पास टोटल आपके पास वर्ड्स कितने हैं, एन इक्वल टू 5 है, ठीक है, वायरस में कितने, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया आपके पास टोटल नंबर हो गया। अब आपको एक साथ कितने नंबर लेने, भाई 3 लेने, ठीक है, तो यहां से आप इसका परमुटेशन बनाओगे 5p3, ठीक है, और यही तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा। देखो टोटल आपके पास n की वैल्यू 5 है और एक साथ में कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, तो 5p3 हो गया परमुटेशन, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन यहां से क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लो भाई, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहां से क्या हो जाएगा 5 × 4 20 20 × 30 कितना हो जाएगा, 60 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 आंसर का मतलब यहां से तुम्हारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल नंबर आपके पास कितने, ये डिस्टिंग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इसमें आई 2 बार होता तो उसको एक बार ही काउंट करते, ठीक है, डिस्टिंक लेके चलने हमें, क्योंकि इसमें रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहां से इंटीग्रेशन का, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, x² × log x dx का, ठीक है। तो वही आईलेट वाला फॉर्मूला लगाओ भाई, ठीक है, लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, एल्जेब्रिक सेकंड, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन x² log x dx का, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन करो, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, ठीक है। अब देखो यहां से करो भाई, तो इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, x³/3, यहां से लॉग एक्स कॉन्स्टेंट की तरह रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, 1/x, इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, x³/3 dx + c इक्वल टू, अब देखो ये क्या करेगा, ये इसकी एक पावर कम कर देगा, ठीक है,
यहां से ये इसकी एक पावर क्या कर देगा, टू कर देगा, तो यहां से क्या बन गया, एक्स की पावर 3/3 लॉग एक्स माइनस 1/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस सी, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/3 लॉग एक्स माइनस, अब देखो इसका अगेन इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, एक्स की पावर 3/3, तो वो 3 और ये 3 क्या बन जाएगा, 1/9 एक्स की पावर 3 + c, और यही तुम्हारा क्या रहेगा आंसर रहेगा यहां से, ठीक है, यही तुम्हारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो तुम देख सकते हो यहां से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, मैच करें एक्स की पावर 3 ये ला, देखो एक पहला ही देख लो, एक्स की पावर 3 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 3/9 + c, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी यहां से क्या हो गया आपका राइट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, बस आईलेट वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां से पूछा है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड ए है, तो उसका एरिया क्या होगा, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है भाई, यहां से अंडर रूट 3/4 ए, यानी ए यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड्स का स्क्वायर, तो अब देखो साइड यहां पे अल्फा गिवन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो फ्री के एक मार्क्स है, जिसको याद है उसका फ्री का नंबर है, तो यहां से पहला ही ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट वन था, जिसके कुछ क्वेश्चन थे, और पार्ट वन में सारे इजी क्वेश्चन है आप देख सकते हो, पार्ट टू जल्दी ही मैं लेके आने वाला, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगे, यानी जो भी मैं वीडियोज बना रहा हूँ ये अच्छे लगे आपको, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कि आप अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इसको, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे एक मोटिवेशन दे सकते हो, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा अच्छा, कि अगर जितने ज्यादा लाइक आएंगे, जितना शेयर होगा, सब्सक्राइबेशन होगा, तो मैं उतना आपके लिए और ज्यादा वर्क करता जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप ये जरूर काम करना सारे के सारे, तो जिन्होंने ये वीडियो देखा और जिन्होंने शेयर किया, ठीक है, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।